23 तक आई एग्जाम मैथमेटिक्स के जितने क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशंस मैं अपलोड करूंगा इस चैनल पे। सो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लेट an b and cn बी सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स सच दैट bn इज a टू n एंड cn इज a टू n प्लस 1। मतलब एक सीक्वेंस है a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7। तो ये जो bn है वो एक सब सीक्वेंस है an का। कौन सा वाला? a2 a4 a6 इस तरह से लिख लो एक जगह। तो ये जो सीक्वेंस है इसका नाम bn रखा है। cn क्या है? a2n plus 1। मतलब a1 a3 a5 a7 लाइक a1 a3 इस तरह से। सो मतलब bn एंड cn क्या है? आर टू सब सीक्वेंसेस ऑफ सीक्वेंस an। अब क्या बोल रहा है ये? देन an इज कन्वर्जेंट। अब कह रहा है कि सीक्वेंस जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। तो implies, क्या ये इंप्लाई कर रहा है कि bn कन्वर्जेंट होगा और cn कन्वर्जेंट नहीं भी हो सकता है? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि थ्योरम होता है कि एवरी अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इफ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन ऑल सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेस एंड दे कन्वर्ज टू द सेम लिमिट। कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके हर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगे और एक ही लिमिट पे कन्वर्ज करेगी। तो ये ऑप्शन तो गलत है। इंप्लाइज cn कन्वर्जेंट bn डिड नॉट बी कन्वर्जेंट, ये ऑप्शन भी गलत है सेम लॉजिक से, क्योंकि हर सब सीक्वेंस को कन्वर्ज करना पड़ेगा। एवरी सब सीक्वेंस मस्ट कन्वर्ज इफ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अब बोल रहा है इंप्लाइज बोथ bn cn का, यस। सो इफ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट्स सब सीक्वेंस विल ऑलवेज कन्वर्ज एंड दे विल कन्वर्ज टू द सेम लिमिट। इफ अब देखो यहां इंप्लाइज था, अब यहां इफ लगा दिया बोथ bn एंड cn कन्वर्जेंट। मतलब अगर ऐसा होगा तो क्या इसकी गारंटी दे पाएंगे? तो बोल रहा है bn अगर कन्वर्जेंट है और cn भी कन्वर्जेंट है तो क्या हम बोल सकते हैं an कन्वर्जेंट है? देखो cd ऑप्शन अपोजिट है। cd में क्या था? इसमें ऐसा बोल रहा था और इसमें ऐसा बोल रहा है कि मतलब ये इंप्लाई कर रहा है इसको, यहां बोल रहा है कि ये इंप्लाई करेगा इसको, ऐसा पूछ रहा है आपसे d वाले में। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि अगर an bn कन्वर्जेंट है तो क्या an कन्वर्जेंट होगा? तो एग्जांपल ले लीजिए। एग्जाम्पल होता है -1 की पावर n। इसको आप बोलेंगे तो पहला टर्म आएगा -1, दूसरा टर्म 1, तीसरा -1, चौथा 1, फिर -1, 1, फिर -1, ये चल रहा है। तो आप an क्या था आपका? a2n, इवन टर्म्स a1 1 1 1। तो ये जो bn है वो कन्वर्जेंट है, bn की लिमिट 1 होगी क्योंकि bn कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया 1 1 1 1 1। तो bn कन्वर्जेंट है और bn 1 पे जा रही है, an और टर्म्स वाला है, तो -1 -1 -1 -1, तो ये कन्वर्ज कर रही है -1। तो एक सीक्वेंस लिया मैंने -1 की पावर n और इसके दोनों सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है ना, एक 1 पे और एक -1 पे। तो यहां इसने यही कहा था कि अगर बोथ सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहे हैं, बस इतना ही बोला है। तो अगर दोनों सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेंगे तो क्या सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी? आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि इसके सब सीक्वेंस तो कन्वर्ज कर रहे हैं बट ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। तो ए एन मैंने यहाँ पे फोर्थ जो डी पार्ट है उसके लिए मैंने ए एन कंसिडर किया -1 की पावर एन। जो बी एन है वो खुद 1 के इक्वल है और सी एन है वो जस्ट -1 के इक्वल है। तो बी एन कन्वर्जेंट है, 1 पे कन्वर्ज कर रही है, सी एन कन्वर्जेंट है, -1 पे कन्वर्ज कर रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ए एन कन्वर्जेंट होगा? जरूरी नहीं है, एक एग्जांपल काफी है गलत कहने के लिए, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी सही है। सो थैंक यू। आगे भी आई एग्जाम मैथमेटिक्स और आई एग्जाम स्टैटिस्टिक्स के सॉल्यूशन अपलोड करता रहूंगा। सो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।